हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप सभी का एक और नए व्लॉग में स्वागत है। तो फाइनली गाइस, आज हम लोग आए हुए शिमला में और आपको दिखाएंगे शिमला का मॉल रोड का मार्केट। और अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं शिमला का मॉल रोड जो मार्केट है कैसा है। दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हमारे पीछे देख सकते हो अभी सारे शॉप ओपन हुए हैं और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। और ये देसी अर्बन चाय, कुल्लड़ चाय, ये शिमला की सबसे फेमस और वो काफ़ी अच्छी माना जाता है कि यहाँ पर शिमला की सबसे अच्छी चाय यही मिलती है। शिमला की सबसे फेमस चाय की दुकान देसी अर्बन चाय, कुल्लड़ चाय। देख सकते हो आप, भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर किस तरह की चाय मिलती होगी और कितनी टेस्टी होगी। भीड़ देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हो ही कौन देसी अर्बन चाय। काफ़ी अच्छी चाय मिलती है, हमने सुना था, इसलिए हम यहाँ से चाय पियेंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे। नॉर्मल सी वीडियो है, फोटोज। और फाइनली जैसा इसके बारे में सुना था वैसी इतनी टेस्टी चाय है। तो भाई कैसे लगी चाय? बहुत बढ़िया चाय है, बहुत बढ़िया। जैसा इनके बारे में, देसी अर्बन चाय के बारे में सुना था वैसी इतनी टेस्टी चाय है। हमारे साथ ये सभी भाई शिमला हमारे साथ घूमने के लिए आए थे। यहाँ की चाय बहुत टेस्टी है। एक ही बात, वाओ गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही शानदार मार्केट है यहाँ पर। और अब हम यहाँ से देख सकते हो पूरा फाइनली गाइस हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हो ऊपर का काफ़ी अच्छा व्यू है, हम आपको दिखाते हैं। अब इधर की तरफ चलेंगे और फिर आगे की तरफ देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर देखने लायक है, क्या क्या अच्छी जगह है जो हम आपको दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ, हम आगे की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि अगर आगे की तरफ जाते हो आप तो आपको सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो दिखाई देगी और जय हिंद लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं हम और ये देखते हैं क्या है। सुभाष चंद्र बोस की अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें। अगर आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में अधिक जानकारी चाहते हो तो आप यहाँ से स्कैन करके इनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। और इधर भी इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है जय हिंद। और ये इंदिरा गांधी, और देख सकते हो आप, इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ था और 1984 में उनकी डेथ हो गई थी। और अब आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ से आप ऊपर खड़े होकर नीचे का व्यू देखोगे तो खतरनाक मज़ा आने वाला है। देख सकते हो शिमला में भी काफ़ी बर्फ गिरती है। देख सकते हो ये जो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ गिरी हुई है, वो इधर ये पूरा जंगल, आगे कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि ओस गिर रही है, अभी शाम का टाइम हो चुका है। और ये शिमला का जो मार्केट है, इधर से आए थे, देख सकते हो काफ़ी शानदार है, देखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड है, बहुत ही अच्छा है, मज़ा आता है देखने में। और अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, देख सकते हो आप काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो इधर देख सकते हो ये हमारे भारत के राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, इनका जन्म 1869 में हुआ था और 1948 में भी इनकी डेथ हो गई थी। और इधर ये फंवारे लगे हुए हैं, लेकिन ये नाइट में चलते हैं, कुछ देर बाद ये स्टार्ट होने वाला है। और जब ये चलते हैं तो यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा होता है।
हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं इधर क्या है। और ये यादव देख सकते हो, ये हिमाचल प्रदेश स्टेट लाइब्रेरी शिमला, चिल्ड्रंस ऑफेंडर सेक्शन, शिमला की लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी। के अंदर तो हम जाएंगे नहीं, बाकी बाहर से देख के आते कैसी है। और थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे तो ये देख सकते हो काफ़ी बड़ा चर्च है, थोड़ी सा चर्च की तरफ देख के आते हैं और आगे भी देखेंगे और क्या है। ये चर्च का मेन गेट है, यहाँ से आप चर्च के अंदर भी जा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ संडे के दिन ही खुलता है। यहाँ लिखा हुआ था, अभी हमने पढ़ा था कि ये सिर्फ संडे के दिन ही ओपन होता है, बाकी बंद रहता है। ये इसका मेन गेट है, ये बंद है, ये सिर्फ संडे के दिन ही ओपन होता है बस। फिर अगली तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो इधर तो कुछ ज़्यादा देखने को मिला नहीं, हम वापस चलेंगे, उधर बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है, आपको वो दिखाएंगे, तो बने रहे आप हमारे साथ। हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और ये वापस इधर शिमला का जो मार्केट था बहुत ही शानदार है, आधा उधर था और आधा इस साइड है। ये देख सकते हो आप, यहाँ से ऐसा नज़ारा दिखता ऊपर से चर्च के ऊपर से शिमला का, ऐसा व्यू, और शाम के टाइम ढलता हुआ सूरज, वाओ, ऐसा व्यू देखने का मज़ा ही अलग है। आप चारों तरफ देख सकते हो, और ये शिमला का मार्केट। और आपको बता दूं कि ये जो लास्ट में ये जो आप मूर्ति देख रहे हो, ये 108 फीट की है, यहाँ से काफ़ी दूर है, यहाँ से जाने में समथिंग 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए हम अभी जा नहीं सकते, वरना आपको वहाँ पर जाके बताते। ये बता रहे हैं कि 108 फीट की ये मूर्ति है हनुमान जी की, काफ़ी बड़ी मूर्ति है। और ये शिमला का मार्केट है, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या अच्छा देखने लायक। और थोड़ा सा अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो ये देख सकते हो, ये हमारे भारत रत्न से सम्मानित है अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म 1924 में हुआ था और 2018 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके साथ में एक बहुत प्यारी पंक्ति लिखी हुई है, छोटे मन से कोई बड़ा ना होता, टूटे मन से कोई खड़ा ना होता। वो बहुत ही शानदार लाइन लिखी हुई है, आप भी पढ़ सकते हो। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, इस कहानी के पीछे, इस लाइन के पीछे बहुत बड़ा राज है, आप समझ ही सकते हो और समझ लेना। और इनके कारनामे तो आपने सुने ही होंगे, और बहुत बड़े ये बुत है, इसलिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैचू बनाया गया, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पर हमारे भारत का फ्लैग, अभी शाम हो चुकी इसलिए डाउन है, उसके बाद वापस ओपन हो जाएगा। और इधर की तरफ चलते हैं, तो यह है हिमाचल के निर्माता, हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, इनका जन्म 1906 में हुआ था, 1906 में, और इनकी डेथ 1981 में इनकी डेथ हो गई थी। फॉरनर ऑफ हिमाचल डॉक्टर यशवंत परमार, और इनका स्टैचू बनाया गया यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है। और आगे की तरफ चलते हैं तो और देखते हैं आगे क्या है। तो इस तरफ तो हम चलते हैं, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनके लिए लाइन लिखी थी, डॉक्टर परमार की हिमाचल और पहाड़ी लोगों के लिए चिंता एक समर्पण की कहानी थी और ये एक दूसरों के लिए उदाहरण है। ये लाइन श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिखी थी डॉक्टर परमार के लिए। और आगे की तरफ चलते हैं तो एक बहुत ही प्यारा स्टैचू भी बनाया गया है, यही है इस मार्केट में देखने के लिए। आगे और कुछ है लेकिन फिलहाल शाम हो चुकी है तो लोकेशन अच्छी नहीं आएगी, इसीलिए हम थोड़ा सा बाद में चलेंगे। यहाँ से आप व्यू देख सकते हो,
ब्लॉग एंड करते हैं, आज का ब्लॉग एंड करते हैं गाइस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी कोई भी वीडियो आते ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सके। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।